भी एक ऐसे देश में रह रहे हैं दरअसल जहां पर अभी भी 70% के पास आबादी के पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे देश में भी सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट आज हमें लगने लगा है कि जैसे कि आपने बताया कि एक नेता की वैल्यू तब है जब उसको उसके फॉलोअर्स ट्विटर में कितने हैं। Parties are giving targets to their politicians. I mean, ये कैसे हो रहा है एक देश में, मतलब जिसमें कि 70% से ज्यादा की आबादी के पास इंटरनेट नहीं है। मुझे लग रहा है आंकड़ा गलत है, 70% आबादी अपनी बची, इतने छोटे छोटे चिप में स्मार्टफोन पे इंटरनेट की पहुंच इतनी व्यापक हो चुकी है, जहां जहां जियो का, व्हाट्सएप और एयरटेल का और वोडाफोन का छोटा छोटा चिप पहुंचा हुआ है, वो छोटे छोटे प्लान जो है वो इंटरनेट की सहूलियत दे रहे हैं। बिजली वहां नहीं पहुंची है, टेलीफोन के दूसरे माध्यम नहीं पहुंचे हैं, इंटरनेट पहुंचा हुआ है। वो अपने फोन पे गांव देहात सब जगह की रफ्तार बहुत तेज है। मैं इस रफ्तार पे थोड़ा सा जो बोल रही थी कि तुरंत चीजें पार हो रही है, मुझे उसकी किताब का ध्यान आ रहा है एल्विन टॉफलर की फ्यूचर शॉक। फ्यूचर शॉक में एल्विन टॉफलर की भूमिका में लिखता है कि उसने कल्पना की है कि नहीं हो सकती। मुझे लग रहा है कि वो जो घूमता हुआ चक्र है जिसको उसने दूसरी किताब में थर्ड वेव में जिसका और विस्तार में उल्लेख किया है, वो घूमता हुआ चक्र बहुत तेज है। हमारे समय में चीजें बहुत तेजी से बदल रही है। इस तेजी के अच्छे बुरे दोनों तरह के परिणाम, एक बुरा परिणाम मतलब रफ्तार पर बहुत अच्छी चीज नहीं, वो बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा बड़ा अच्छा लगता है। आप उस जंगल में दौड़ना शुरू करते हैं तो आपको दुश्मन लगने लगता है, वो मतलब लगता है कि इस पेड़ को काटो, इस डाली को गिराओ, इस कांटे को हटाओ, आप दौड़िए। सिर्फ रफ्तार जो है वो जंगल से अपना रिश्ता बदल दे रही है, हमारी रफ्तार हमारी संवेदनाओं से हमारा रिश्ता बदल रही है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर दो लेवल पे मैंने इसका अनुभव किया, हमारी पूरी पत्रकारिता बदल गई। पहले हम लोग संवाददाताओं पे बहुत भरोसा करते थे बड़ी से बड़ी खबर लाने के लिए, मतलब कोई बड़ी खबर बाहर से आने लगता था क्या बात है, आज हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने हजारों मील दूर बैठा, जैसे कल्पना कीजिए मैं किसका उदाहरण दूं, माल्या, विजय माल्या लंदन में बैठ के ट्वीट करता है कि आज केस है मेरा। आप दौड़ पड़ते हैं कि आज लंदन का केस है, लंदन का केस है, लंदन पुलिस का ट्वीट आता है कि आज हमने उसको गिरफ्तार किया, आप पकड़ लेते हैं कि गिरफ्तार किया लंदन पुलिस ने, बिल्कुल ऑथेंटिक खबर है। आधे घंटे बाद खबर आती है कि उसको जमानत मिल गई। इतनी ऑथेंटिक खबरें 20 साल पहले जुटाना असंभव काम। और ये क्या, मैं तो लाइव खबरें देखता हूँ। एक बार बाकायदा एक जहाज थे, समुद्री जहाज का पे लूट चल रही थी और वहां से एक लड़का लगातार फेसबुक पे अपडेट किया जा रहा था कि मैं देख रहा हूँ हमारी तरफ आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ये कर रहे हैं। तो आप घटनाओं को जो हजारों मील दूर घट रही हैं बिल्कुल अपने स्क्रीन पे लाइव कमेंट्री की तरह उनको ले जा सकते हैं। एक बात की, इसका दूसरा असर यह हुआ है कि अचानक को घटनाएं अनुभव हो बैठे, यानी अनुभव हमारी स्मृति से आता है। इसका वास्ता साहित्य से भी, साहित्य में बहुत सारी डेमोक्रेसी इंटरनेट ने सोशल मीडिया ने पैदा की, हर कोई लिख सकता है। और वाकई इस असंपादित किस्म की रचना वृत्ति ने बहुत सारे लेखक पैदा किए, बहुत सारे अच्छे लेखक भी हैं, खराब लेखक भी हुए, हर दौर में बहुत खराब लेखक होते रहे। हिंदी पत्रिकाओं में 90% रचनाएं खराब छपती हैं। आज ही निवेदन सत्ता में जब छापा करता था तभी मैं जानता था कि 90% रचनाएं औसत और मामूली हैं, वो इस दौर में भी छप रही हैं। इस दौर में दूसरी बात यह हुई कि हमने अनुभव को महसूस करना बंद कर दिया है। मतलब आज हम जाते हैं, आज मसूरी चले जाए तो मसूरी को महसूस बाद में करेंगे, पहले उसके 4 फोटो खींच के फेसबुक पे डालेंगे क्या आई एम इन मसूरी, उसके बाद सर वाह वाह करेंगे, फिर हमको लगेगा हमने मसूरी घूम लिया। जिस अनुभव को हमने जिया नहीं उसको हम शेयर करने लगे, और ये आदत इतनी खराब है, इतनी बुरी है कि और अनुभव नहीं बनेगा तो आपकी स्मृति नहीं बनेगी। आप मसूरी से निकल जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता है कि हवाओं का ठंडापन कैसा था, बादलों के रंग कैसे थे, गलियों में क्या हो रहा था, अगर कोई पहाड़ था तो उसका पथरीलापन कैसा था। आपके सामने आपकी खींची हुई 4 तस्वीरें, आपके बनाए हुए 2 वीडियो हैं और 25 कमेंट्स हैं दोस्तों के वाओ 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 मसूरी से आगे जाना, तो और आगे जाके आप घूम आते हैं। दुर्भाग्य से ये सैलानी जो मिजाज है वो सिर्फ पर्यटन स्थलों में नहीं साहित्य में भी दिख रहा है। बहुत सारा रचनात्मक साहित्य जो हम लिख रहे हैं उसमें जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो इतने तात्कालिक आवेग से हैं कि वो भाप की तरह उड़ जा रही है। ये एक बहुत बड़ा संकट है।